हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ज्यामिति के चतुर्भुज चैप्टर की। चतुर्भुज में हम जानेंगे इनके टाइप्स। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल चैप्टर है, सिंपली हम डिस्कस करेंगे ऑल दी टाइप्स। तो चतुर्भुज की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो चतुर्भुज कोई ऐसी प्लेन फिगर जो चार साइड से कवर होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। सपोज दिस। तो अभी देखिए, यहाँ पर फोर आपके रेखाखंड हैं, 1, 2, 3, 4, और चार साइड से अगर कोई भी प्लेन अगर कवर्ड है तो उसको हम बोलेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं। दूसरी चीज यहां पर एक और ये है कि अगर आपसे पूछ लिया है कि चतुर्भुज के चार कोण होते हैं, अगर चतुर्भुज के चार कोण हैं तो चारों का जो टोटल होता है वो होता है ए बी सी डी। सपोज आपसे पूछ लिया जाए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो टोटल होगा 360। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्राइंगल। अगर देखो इसको भी हम ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो एक ट्राइंगल ये होगा और एक ट्राइंगल ये होगा। अब इसका टोटल कितना होता है, 180। ट्राइंगल का जो टोटल है 180 होगा, इसका भी 180 होगा। तो तीनों कोणों का योग 180 हो गया, 180 होगा, 180 टू जा 360। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा, अब हम स्टार्ट करेंगे इनके जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं। देखिए सबसे पहला हमने लिया है आयत। आयत को समझते हैं। आयत क्या होती है? कोई भी चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हों और उसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो सेम रहना चाहिए। मतलब ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, इक्वल है। इक्वल के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि जो अपोजिट साइड आपस में, जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या चीजें इनकी समझेंगे यहां पर, ए बी सी डी। नंबर वन, अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, यानी ए बी इक्वल होगा सी डी के, नंबर वन, और ए डी इक्वल होगा बी सी के। एक तो रूल ये हुआ। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी यह है कि इसकी अपोजिट साइड, यानी कि जो साइड है अपोजिट साइड, वो पैरेलल होती है, ठीक है, समांतर जिसको बोलते हैं। अब समांतर इसमें कैसे करेंगे, जैसे ए बी है वो समांतर है किसके या पैरेलल है किसके, ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है सी बी के, एक ये रूल है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी आती है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये आपको ध्यान रखना, हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो कोई भी एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सारे कैसे हैं 90 डिग्री। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो हमारे पास वन ये हो गई, टू ये हो गई, ये हो गई, फोर्थ वन है जो इसके डायगोनल होते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण, वो दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी कि जो एसी है वो बीडी के इक्वल होगा। तो डायगोनल यानी कि विकर्ण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर आपको फोर थिंग्स याद रखनी है, कि कभी भी याद रखना आयत के बारे में चार चीजें याद रखनी है। पहली, जो साइड है अपोजिट साइड वो आपस में बराबर होंगी और अपोजिट साइड जो होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और फोर्थ थिंग क्या है, जो इसके डायगोनल हैं, जो इसके विकर्ण हैं, वो आपस में बराबर होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ग। तो वर्ग और आयत में देखेंगे डिफरेंस क्या है। कोई भी ऐसा प्लेन चतुर्भुज, कोई भी ऐसा प्लेन फिगर जो चार साइड से कवर है और चतुर्भुज है जिसकी ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, वर्ग। देखिए एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, इक्वल होगा एंगल सी के और इक्वल होगा एंगल डी के, और ये टोटल हो जाएगा 90। मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो चीज आयत में हम देख रहे थे वही चीज हमारी इस वर्ग में है। सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। दूसरी, हमको ये भी समझना है कि जो अपोजिट साइड में वो एक दूसरे के सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि समांतर है। तो सेम प्रॉपर्टी आयत की यहां पर भी अप्लाई होगी। तो ए बी
समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। ये भी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही है। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी, वो क्या है कि जो अपोजिट साइड है यानी ऑल साइड यहाँ पर इक्वल होंगी। ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के और इक्वल है डी ए के या ए डी। देखिए यहां पर क्या था कि अपोजिट साइड इक्वल थी यहां पर, लेकिन यहां पर ऑल साइड इक्वल है, याद रखनी है ऑल साइड इक्वल है। उसके जो विकर्ण होते हैं ये भी समझ लेते हैं, जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ए सी इक्वल होगा बी डी के, ये विकर्ण है। यहां पर भुजा हो गई, ठीक है, ये पॉइंट होगा इसके वर्ग के। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ग के बाद समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज में और आयत में समझेंगे डिफरेंस क्या है। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे आयत की, आयत में क्या था ऑल साइड इक्वल है, लेकिन यहां वो अपोजिट साइड इक्वल थी, लेकिन समांतर में क्या होगा अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, बट जरूरी नहीं है कि कोई भी कोण 90 डिग्री का हो। अगर कोण 90 डिग्री का नहीं है इसका मतलब वो आपका और अपोजिट साइड आपकी समांतर है, जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इक्वल भी है और समांतर भी है, इक्वल भी है और समांतर भी है। तो हमको बताया कि ए बी इक्वल होगा सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, अपोजिट साइड समान हो गई, और ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल जो होंगे अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। आयत में क्या हो रहा था कि आयत में जो सारे के सारे एंगल है वो 90 डिग्री, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर जो अपोजिट एंगल है वो आपस में सेम होंगे। और प्रॉपर्टी यहां पर बनती है जो विकर्ण होते हैं वो आपस में सेम नहीं होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अब आपसे पूछेगा क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है, आयत समांतर चतुर्भुज है, बट समांतर चतुर्भुज आयत जरूरी नहीं है कि हो, ये ध्यान रखनी है। अगर आपसे कहें कि एक आयत है हमारे पास, ये आयत है, क्या ये आयत समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की अप्लाई हो रहे हैं। और कह रहा है कि अगर वर्ग से पूछा जाए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी हो रही है। समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, अपोजिट एंगल सेम होते हैं। उसके बाद है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज से नाम से समझ में आ रहा है सम मींस समान, यानी ऐसी भुजाएं जिनके ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, समान हो, ये आपस में कैसे हैं, समान है, ठीक है, ये समान है और ओके, तो आपस में कैसी हैं, समान है। तो ये एक तरीके से देखा जाए, अगर ध्यान से हम देखेंगे तो ये वर्ग की तरह है, ठीक है, इसकी ऑल साइड कैसी हैं, इक्वल है, ए बी सी डी। अगर ऑल साइड इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू सी डी और सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। उसके बाद आता है समलंब। देखिए समलंब में क्या होगा कि कोई भी दो साइड, कोई भी दो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ए बी सी डी, और हमने यहां से कोई लंब डाल दिए, हमने यहां से कोई लंब डाल दिया, तो इसको ले लेते हैं एल एम। देखो ध्यान से, हमसे पूछा है इसमें समलंब में, समलंब के क्या कह रहा है, जो ए बी है यानी कोई भी दो अपोजिट साइड आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ए बी को हम बात करें तो सी डी के क्या होगी,
सीडी के सीडी के समांतर होगी, ठीक है, सीडी के समांतर होगी, ये समांतर का साइन है, ध्यान रखना है। तो ए भी समांतर है सीडी के, लेकिन जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है जो अगली दो साइड है वो आपस में, यानी कि जो एस डी है और बी सी है, ये आपस में समांतर होंगी। पहली चीज तो यहां रखेंगे, जो समांतर साइड है वो आपस में बराबर नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन उनका समांतर होना जरूरी है, ठीक। उसके बाद इसमें जो लंब होता है, जैसे ए एल है, ए एल इक्वल होगा पी एम के, ये ध्यान रखना है, जो लंब है वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है, बस इतना सा इसका रूल है। उसके बाद इसमें पूछेगा आपसे, नेक्स्ट वन है चक्रीय चतुर्भुज। भाई चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, उस वृत्त में आपने चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया, अब अगर इस वृत्त को हम देखें तो ध्यान से ये चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसके जो कोण है, इसके जो कोण है वो किसको टच करें, वृत्त को टच करें, तो यहां हम लिख सकते हैं ए बी सी और डी, इस वृत्त को टच करें, और इसमें एक खास बात यह है कि इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं, बाकी किसी चीज को ध्यान नहीं रखना है, साइड चेंज हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है, बस जो अपोजिट एंगल है उनका जो टोटल होगा वो क्या होगा, 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, बस ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है कि अपोजिट एंगल जो है उनका टोटल 180 आता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज। सपोज करें कि आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है और उसने कह दिया कि ये दोनों जो टोटल है ए बी सी और डी, बताएं कि चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं, कह रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 है। अब अगर ए और सी 180 है तो इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज होगा, और चक्रीय चतुर्भुज है तो कहीं ना कहीं ये वृत्त के अंदर आएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात यहां पर आपको चक्रीय चतुर्भुज में याद रखनी है और बहुत सिंपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्यामितीय आकृति, मतलब सॉलिड फिगर, उसके बाद हम सॉलिड फिगर डिस्कस करेंगे जो थ्री साइड में होंगे, राइट, सॉलिड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट